जी हाँ दोस्तों, आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और दोस्तों ये खबर मैं आपको पिछले वीडियो में दे चुका हूं, बहुत ही अच्छी खबर है। और दोस्तों ये खबर मैंने आपको सबसे पहले स्टडी जॉब लाइन के ऊपर उपलब्ध करवाई है। सबसे पहला वीडियो स्टडी जॉब लाइन के ऊपर अपलोड किया गया है कि राजस्थान पुलिस का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में आपका सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि अगर आपसे रिजल्ट नहीं निकल रहा है तो आप किस प्रकार से अपना रिजल्ट निकालें बिल्कुल आसानी से वन क्लिक में। तो दोस्तों उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना है। और दोस्तों वीडियो के ऊपर चलने से पहले खुशी की बात है, इसलिए वीडियो के ऊपर एक लाइक तो बनता ही है। और चैनल के ऊपर नए हैं तो आपको वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको इसे दबाना है, फिर ये काला हो जाएगा, उसके पास में आ जाएगा बेल आइकन, अब आपको इसके ऊपर क्लिक करके इसे भी ऑन कर देना है। फिर दोस्तों राजस्थान पुलिस से संबंधित हम जो भी वीडियो डालेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप अपना रिजल्ट किस प्रकार से निकालें ताकि आपको कोई भी दिक्कत न हो। तो दोस्तों आपको बता दूं, बहुत सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट करके कह रहे हैं कि सर जो आपने लिंक दिया है राजस्थान पुलिस की साइट का, उससे रिजल्ट नहीं निकल रहा है। और जैसे ही हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ ऐसा पेज आता है, इसमें लिखा हुआ है दिस सर्वर इज अनअवेलेबल और यहां पर लिखा हुआ है सर्वर इज टू बिजी। यानी दोस्तों सर्वर है वो बहुत ज्यादा बिजी हो गया है। आपको पता होगा दोस्तों इतने लाखों संख्या में विद्यार्थी हैं, जैसे ही सभी को स्टडी जॉब लाइन द्वारा खबर उपलब्ध कराई गई कि रिजल्ट आ गया है तो सभी विद्यार्थी एक साथ साइट के ऊपर पहुंच गए अपना रिजल्ट देखने के लिए। और दोस्तों सर्वर बिजी होने के कारण साइट क्रैश कर गई है। इसलिए दोस्तों मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि आप अपना रिजल्ट किस प्रकार से चेक करें। तो दोस्तों उसके लिए आपको दो बातें ध्यान रखनी है बहुत ही महत्वपूर्ण। पहली बात तो यह है कि आपको रिजल्ट देखने के लिए बार बार प्रयास करना होगा। और दोस्तों आप उस जगह पर अपना रिजल्ट निकालें जहां पर नेट है वो ज्यादा आता हो, यानी इंटरनेट की स्पीड बहुत ज्यादा हो। आप ऐसी जगह ढूंढिए जहां पर नेट की स्पीड ज्यादा हो, वहां पर आप साइट खोलने की कोशिश कीजिए, उससे हो सकता है आपकी साइट खुल जाए। और दोस्तों एक बात और, आपको 10 से 15 मिनट इंतजार करना है, उसके बाद साइट के ऊपर जाना है। अगर नहीं निकले तो फिर से 10 से 15 मिनट इंतजार कीजिए, उसके बाद साइट के ऊपर जाइए, लगातार साइट के ऊपर नहीं रहना है। अगर आप ऐसा करोगे तो साइट बिजी की बिजी ही रहेगी और कोई भी विद्यार्थी अपना रिजल्ट नहीं देख सकेगा। इसलिए दोस्तों एक बार साइट को चेक कर लीजिए, फिर 10 मिनट इंतजार कीजिए, उसके बाद साइट को खोलिए। यह प्रक्रिया अपनाइए, दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों आप अपना रिजल्ट आसानी से निकाल सकेंगे अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो। और दोस्तों वैसे ही जब आप साइट खुल जाएगी तो वहां पर आपको अनेक ऑप्शन दिखाई देंगे। दोस्तों सभी का रिजल्ट अलग अलग जारी किया जा रहा है, हर जिले का रिजल्ट की आपको अलग लिंक दिखाई देगा। जैसे ही आप अपने जिले के लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने वो लिस्ट आ जाएगी जिसमें होगा आपके रोल नंबर, और दोस्तों फिर आपको कट ऑफ भी वहां पर पता चल जाएगी कि क्या कट ऑफ रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों से शेयर जरूर करना, क्योंकि सभी विद्यार्थियों के मन में एक सवाल है कि रिजल्ट किस प्रकार से चेक करें। धन्यवाद।